हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फोन के अंदर अपनी कॉल ब्लॉक फॉरवर्ड करनी है तो कैसे कर सकते हैं। कई बार आपको जरूरत है कि हमें अपने फोन के अंदर इस नंबर की कॉल दूसरे नंबर पे फॉरवर्ड करनी है तो कैसे करेंगे, इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अपने फोन के अंदर अपनी कॉल फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं। तो आज वीडियो अंत तक जरूर देखना ताकि आपको समझ में आए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपना डायलर ओपन कर लेना है। जैसे अपना डायलर ओपन कर लेंगे, थ्री डॉट का ऑप्शन मिल जाता है राइट साइड में। सेटिंग्स में जाएंगे आप। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर मिल जाता है कॉलिंग अकाउंट्स। कॉलिंग अकाउंट पे जाएंगे। कॉलिंग अकाउंट पे जाने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन नंबर मिल जाता है कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको मिल जाता है वॉइस या वीडियो कॉल। तो यहाँ से हम अपने फोन के अंदर वॉइस कॉल फॉरवर्ड करेंगे। ओके, वॉइस कॉल फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से आपको कॉल सेटिंग की मिल जाती है, जो बोला सेटिंग रीडिंग सेटिंग। यहाँ से आप देख सकते हैं फोन सेटिंग रीडिंग कर रहा है। इसमें आपको यहाँ से वेट कर लेना है, 1 से 2 मिनट का समय ले लेता है यहाँ से लिए। तब तक के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने फोन के अंदर कोई भी बटन प्रेस नहीं करना है, आपको सेटिंग रीडिंग कर रहा हो जब फोन। थोड़ी देर का वेट करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं आपका लास्ट ऑप्शन बचा है, सारे आपके ब्लॉक हो जाएंगे। ये देख सकते हैं ब्लॉक होते ही अब आपकी सेटिंग रीडिंग कर रहा है, वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑलवेज फॉरवर्ड, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से आपको अपना नंबर इसमें ऐड कर देना है। यहाँ से आपको जो नंबर आपके फोन में सेव हो वो आ चाहिए तो वो वाले आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। जिस पर भी आप फॉरवर्ड कराना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको एक नंबर इसमें ऐड करना हो तो यहाँ आपको ऑप्शन ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिस नंबर को आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से। ओके, इसे हम कर देते हैं टर्न ऑन। ओके, थोड़ी देर आपको यहाँ वेट कर लेना है। यहाँ से आपकी सेटिंग अपडेट कर रहा है, अपडेटिंग सेटिंग। यहाँ से आपको फिर से 1 मिनट का समय लेगा, ये 1 मिनट से ज़्यादा भी ले सकता है आपके हिसाब से। आपकी सेटिंग भी कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑलवेज फॉरवर्ड, फॉरवर्डिंग ऑल कॉल टू। आपकी दिस नंबर पर सारी कॉल आपकी फॉरवर्ड हो चुकी है। यहाँ से इस नंबर की जो भी कॉल है सारी आपके इस नंबर पे फॉरवर्ड हो चुकी है। यहाँ से आप देख सकते हैं आपको लिखा हुआ आ रहा है ऑलवेज फॉरवर्डिंग, फॉरवर्डिंग ऑल कॉल दिस नंबर। इस नंबर पे आपकी सारी कॉल फॉरवर्ड हो चुकी है। तो इस प्रकार से अपने फोन के अंदर अपनी कॉल फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आप सब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।